दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें आयुर्वेदिक गुण होता है, मगर हम उसको पहचानते नहीं हैं। और हम इनको पहचानते नहीं हैं तो हम इनको खाते भी नहीं हैं, और ये हमारे आसपास ही मौजूद होता है। तो आज हम इसी तरह एक औषधीय पौधा के बारे में बात करेंगे जिसका गुण जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और हम यह भी जानेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे ब्राह्मी साग। आपने तो इसका नाम सुना ही होगा, भारतीय आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है। तो आप इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए, और सामने अगर मार्केट में आपको ये मिले तो इसे आप ज़रूर खरीदें, और मार्केट में अगर नहीं मिले तो ये दलदली वाला जो हिस्सा होता है ज़मीन का, वहाँ उगता है, जहाँ तालाब वगैरह होता है वहाँ भी आसपास में आपको ये मिल जाएगा। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि इसे चुनना कैसे है और इसे कैसे बनाया जाता है। उसके पहले चलिए हम इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला बात, यह दिमाग के लिए एकदम मैजिक की तरह काम करता है। यह ब्रेन डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क विकास में काफ़ी सहायक है। यह स्नायु संबंधी रोगों को दूर करता है, चिंतन शक्ति बढ़ाता है और याददाश्त को भी बढ़ाता है। और एक बात, यह शुगर रोगी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यह शुगर लेवल को नियंत्रण में रखता है। यह नींद नहीं आने की समस्या को भी दूर करता है, साथ ही हार्मोन बैलेंस भी करता है। तो उम्मीद है इतने सारे फायदे जानने के बाद आप इसको तो ज़रूर ही खाने वाले हैं। तो देखिए, इसका पत्ता को आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए, और इसको आप अच्छा तरह से पहचानने के बाद ही खरीदें, ऐसा ना हो कोई और चीज़ आप खरीद के ले आएँ। तो देखिए, इसका पत्ता इतना छोटा छोटा होता है, और इसका हम पत्ता का ही इस्तेमाल करते हैं, और हो सके तो अगले भाग में जो एकदम नाजुक नाजुक सा डंटी है उसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। जो डंटी सख्त होता है उसे हम हटा दिया जाता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको हम चुनने का यही प्रोसेस है कि इसका नाजुक पत्ता और इसका नाजुक डंटी को हम चुन लेंगे। तो इसका फूल जो है देखिए सफ़ेद सफ़ेद होता है। तो चलिए इसी तरह से हम सारा साग को यहाँ चुन लेते हैं। साग चुनने के बाद इसे अच्छी तरह से ज़रूर धोएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा गंदगी होता है, ये एकदम पानी वाला भाग में पाया जाता है, तो इसको अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है। अब यहाँ हम साग को काट लेंगे। तो साग को यहाँ हमने काट लिया है, और आज हम इसको जो है आलू के साथ बनाने वाले हैं, क्योंकि इसे आप इसी तरह बनाएंगे तो ये थोड़ा लचीला सा लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा आलू मिलाया जाता है। तो यहाँ हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। चूँकि ये साग है इसमें ज़्यादा तेल डालने का ज़रूरत नहीं है, तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ हम 2 मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और थोड़ा सा प्याज डालेंगे, लगभग आधा प्याज को हम इसमें डालेंगे। तो एक एक करके हम इसमें मिर्ची लहसुन और प्याज को डाल देंगे। तो चूँकि ये साग है इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं पड़ता है, इसमें साग का ही टेस्ट अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना है, ये हल्का गुलाबी करके भुनना है। तो देखिए प्याज गुलाबी हो गया है। तो इसमें हम एक आलू डालने वाले हैं। यहाँ आलू को छील कर मैंने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। तो इसको मैंने एक बड़े आलू को काटा है। यहाँ 2 मुट्ठी साग में एक आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम इसको प्याज में डाल देंगे। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। तो यहाँ आलू को 2 मिनट तक भून लें। तो यहाँ 2 मिनट में आलू भून चुका है, तो अब इसमें हम साग को मिला देंगे। अब आलू के साथ यहाँ इसे और 3 से 4 मिनट भुनेंगे। वैसे तो ये साग थोड़ा तीता होता है, मगर आप इसमें अगर एक आलू मिलाएंगे तो आप इसको आसानी से खा पाएंगे, इसीलिए इसमें आलू मिलाना ज़रूरी है। तो 3 से 4 मिनट भुनने के बाद इसमें हम आधा कटोरी के इतना पानी डालेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 5 मिनट का समय जो है बीत चुका है, तो हम ढक्कन हटा लेंगे। तो देखिए इसमें बहुत कम पानी बचा हुआ है,
तब इसे बिना ढके ही और 2 से 3 मिनट तक हम भुनेंगे इसी तरह से। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे। तो यहाँ साग जो है सूख गया है तो हम गैस ऑफ कर देंगे। तो देखिए ब्राह्मी साग यहाँ बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चे क्या सभी खा सकते हैं। तो यहाँ ब्राह्मी साग देखिए बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और ये जितने कम समय में बनती है उतने ही ज़्यादा ये गुणों से भरपूर होती है। तो आप इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये हेल्दी सी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो इसी तरह की और एक हेल्दी रेसिपी हम फिर बनाते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।